हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज़ रिडक्शन साइज रिडक्शन में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइज़ रिडक्शन उसके ऑब्जेक्टिव या उसके अप्लीकेशन क्या हैं एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल और बाल मिल तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइज रिडक्शन साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है साइज को छोटा करना तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे साइज रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सालिड पार्टिकल इनटू स्मॉल पीसेस कोर्स पार्टिकल्स आर ओ आर आर फाइन पाउडर साइज रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज साइज पार्टिकल्स को स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या साइज रिडक्शन साइज रिडक्शन प्रोसेस इज आल्सो रिफ़ोर्ड टू एस कॉम्बीन एंड ग्राइंडिंग साइज रिडक्शन को कॉम्बीनशन एंड ग्राइंडिंग भी कहते हैं कॉम्बीनशन मीन्स क्या होता है टुकड़े टुकड़े करना और ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है कूटना तो ये तो रहा डेफिनेशन ऑफ साइज़ रिडक्शन जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं किसी भी प्रोसेस से उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया गया है तो उस प्रोसेस को क्या कहा कहेंगे साइज रिडक्शन अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज़ रिडक्शन साइज रिडक्शन का क्या पर्पस है क्या ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया to allow the rapid penetration of the solvent in case of crude drugs next to get uniform size particles which help in uniform mixing of drugs to increase the rate of absorption of drugs to improve the stability of certain pharmaceutical dosage form such as suspension to increase the rate of dissolution साइज़ रिडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है सरफेस एरिया को इनक्रीज़ करना जब लार्ज पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनका सरफेस एरिया का होता है बढ़ जाता है जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो फ्लूड उनके कांटेक्ट में है वो ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल से और इस वजह से उनका डिजोलूशन बढ़ जाता है तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं छोटे पार्टिकल्स सेकेंड पॉइंट है टू अलाउ द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ द सोलवेंट इन केस ऑफ क्रूड ड्रग अगर हमारे पास कोई क्रूड ड्रग्स है उसमें से हमको कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है किसी सॉल्वेंट के थ्रू तो पहले हम क्या करते हैं उस क्रूड ड्रग को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मतलब उसको क्रश कर लेते हैं फिर सॉल्वेंट के साथ उसको रख देते हैं इससे क्या होता है जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसमें सॉल्वेंट ई ईज़िली पेनीट्रेट कर जाता है और जो सॉलबल मटेरियल्स होते हैं उसको डिजॉल्व करके बाहर निकाल लेते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा ईजिली पेनिट्रेट कर जाएंगे और मटेरियल जल्दी बाहर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू गेट यूनिफॉर्म साइज़ पार्टिकल्स विच हेल्प इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग साइज़ रिडक्शन के बाद जो पार्टिकल्स मिलते हैं हमको वो क्या रहते हैं यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको सीप से पास कर लेंगे तो जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो क्या होंगे यूनिफॉर्म्स अगर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स हैं तो उनको मिक्सिंग करने में क्या होगा ईजी होगा मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम पार्टिकल्स नहीं होंगे सब जगह पार्टिकल्स क्या होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स होंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ एबजॉर्बशन ऑफ ड्रग जैसा मैंने आपको बताया अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ़ डिजोल्यूशन बढ़ जाता है जब रेट ऑफ डिजोल्यूशन बढ़ जाता है इसका मतलब क्या हुआ पार्टिकल्स ड्रग पार्टिकल्स जल्दी डिज़ोल्व हो जा रहे हैं जब जल्दी डिज़ोल्व हो जा रहे हैं वो तो सोलूशन में आ जाएंगे तो सोलूशन में से क्या होंगे वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म सच एज सस्पेंसन साइज रिडक्शन से फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है जैसे अगर सस्पेंशन की बात करें तो अगर लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं तो जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे वो जल्दी नीचे बैठ जाएंगे अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा जल्दी नीचे नहीं बैठेंगे तो वो क्या रहेंगे पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे इसका मतलब क्या हुआ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ये तो रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन साइज रिडक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव है ये अभी डिस्कस किया हमने अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज़ रिडक्शन साइज़ रिडक्शन के क्या मेकेनिजम्स हैं या कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं साइज रिडक्शन के लिए जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो क्या है इम्पैक्ट इम्पैक्ट में क्या होता है दिस इन्वॉल्व हैमर्स एट हाई स्पीड जैसे एग्जाम्पल्स हैमर मिल का इसमें क्या होता है जैसे ये जैस सपोज कीजिए हमारे पास कोई ड्रग है उसको हम हथौड़े से वार करें तो क्या होता है वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होंगे कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इम्पैक्ट इसका एग्जाम्पल क्या हुआ आपका हैमर मिल अब बात करते हैं कंप्रेशन का कंप्रेशन में क्या होता है पार्टिकल क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसका एग्ज़ाम्पल क्या है आपका रोलर मिल रोलर मिल में क्या होता है दो रोल होते हैं सॉलिड रोल्स उसके बीच में जिस पार्टिकल्स को हमको साइज रिड्यूस करना है उससे उसको पास कराते हैं जब पास कराते हैं तो जो रोलर्स हैं उससे क्या होता है वो कंप्रेस होता है दबता है जिससे कि क्या होता है पार्ट जो हमारे बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्रश होके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अब बात करते हैं कटिंग द मटेरियल कट बाई द शार्प ब्लेड इसका एग्जाम्पल क्या आपका कटर मिल इसमें क्या होता है जैसे हम किसी नाइफ से पार्टिकल्स को क्या करें कट करें तो क्या होगा बड़ा पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये हो गया आपका कटिंग अब बात करते हैं एट्रीसन का एट्रीसन मीन्स क्या होता है रगड़ एट्रीसन अराइजिंग फ्रॉम पार्टिकल्स स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन एनदर आर रबिंग एक्शन का एग्जाम्पल क्या है आपका फ्लूड एनर्जी मिल अब हम बात करते हैं हैमर मिल का जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग तो हैमर मिल प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट तो हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है इम्पैक्ट मतलब टकराव कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अब हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग इनक्लोजिंग अ सेंट्रल सेफ्ट टू तो विच फोर आर मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड लोअर पार्ट ऑफ़ केसिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल कैन पास एंड कलेक्टेड इन अ अटेबल रिसीवर व्हेन अ डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज़ रीच्ड हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक मेटल का केस होता है मेटल की कवरिंग होती है जिसमें एक सेफ्ट लगा होता है सेफ्ट से चार या चार से अधिक हैमर लगे होते हैं और उसके नीचे वाले पोर्शंस में क्या लगे होते हैं सीव्स हम मटेरियल को फीड इंट्री के द्वारा एंटर करा देते हैं और वो हैमर के द्वारा टकराते हैं टकराने से क्या होगा मटेरियल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो से क्या होंगे धीरे धीरे पास होंगे जिस साइज़ का सीव्स लगाएंगे उस साइज का उस साइज़ का हमको मटेरियल मिलेगा अब बात करते हैं वर्किंग का द मटेरियल इज़ पुट इन टू द हॉपर विच इज़ कनेक्टेड विद द ड्रम मटेरियल इज़ पाउडर्ड टू द डिज़ायर्ड साइज ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर एंड इज कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन जैसा हमने बताया आपको जिस मटेरियल को हमको साइज रिडक्शन करना है उसको हम क्या करते हैंमर मिल uh, में हॉपर के द्वारा इंटर करा देते हैं और वो हैमर के टकराने की हैमर से टकराने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं नीचे क्या लगा रहता है सीप्स और उस सीप्स से क्या होते हैं वो पास होते रहते हैं जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सारा मटेरियल्स uh, uh, सीप्स के द्वारा हम कलेक्ट कर लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है इट इज़ कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन बिकॉज द चांस ऑफ जामिंग इज लेस द मिल्क कैन प्रोड्यूस कोर्स टू मॉडरेटली फाइन पाउडर इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसको कंटिन्यूसली हम चला सकते हैं जाम होने का कोई चांस नहीं रहता ज़्यादातर और इसके द्वारा हम कोर्स टू मॉडरेटली फाइन पाउडर्स प्राप्त कर सकते हैं ये तो रहा इसके एडवाटेज डिसएडवाटेज क्या है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन हीट इज़ जनरेटेड विच में अफेक्ट थर्मोलाबाइल ड्रग आर मटेरियल्स जो इसका रोटेशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें हीट जनरेट होता है जब हीट जनरेट होता है तो क्या होता है कि वो अंदर के जो मटेरियल्स है वो गर्म होते हैं तो जो थर्मोलाबायल ड्रग्स सबस्टेंस है उसको इस मेथड के द्वारा साइज रिडक्शन नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि अगर साइज रिडक्शन इस मेथड से हम करेंगे थर्मोलाबाइल सब्सटेंस का तो वो क्या होंगे डिकम्पोज हो जाएंगे खराब हो जाएंगे थर्मोलबाइल ड्रग क्या होते हैं थर्मोलबाइल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो टम्परेचर को इनक्रीज करने पर वो ख़राब हो जाते हैं अब हैमर मिल का यूज़ क्या है? हैमर मिल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर फॉर आलमोस्ट आल टाइप ऑफ सबस्टेंस एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल दैट चौक द स्क्रीन हैमर मिल सभी तरह के मटेरियल्स के साइड रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं बट स्टिकी इस मटेरियल्स इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि ये स्क्रीन में क्या होते हैं चिपक जाते हैं तो ये तो रहा सारा डिस्कशन हैमर मिल के बारे में अब बात करते हैं बॉल मिल प्रिंसिपल इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है इम्पैक्ट और एट्रीशन टकराव और रगड़ अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की इट कंसिस्ट ऑफ हालो सिलेंडर माउंटेड ऑन ए मेटेलिक फ्रेम सच दैट इट कैन बी रोटेटेड अलॉन्ग इथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सिलेंडर कंटेन बॉल ऑक्यूपाइंग थर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द मिल वॉल्यूम वेट ऑफ बॉल इज कॉन्स्टेंट साइज डिपेंड ऑन द फीड क्वान्टिटी एंड डायामी इसमें जैसा बताया गया है कि बॉल मिल किससे बना होता है एक हॉलो सिलेंडर होता है जो मेटैलिक फ्रेम में फिट होता है और वह रोटेट कर सकता है लॉन्गिटूडनल एक्सिस पे क्या कर सकता है रोटेट कर सकता है और उसमें क्या होते हैं बॉल छोटे छोटे बॉल्स होते हैं और उस बॉल का जो वॉल्यूम होता है थर्टी टू फिफ्टी परसेंट वॉलूम ऑफ द मिल तो सीधी सी हम बात कहें तो क्या होता है एक हॉलो ड्रम होता है और वो ड्रम एक मेटेलिक फ्रेम में फिट होता है वह ड्रम क्या होता है हॉर्जेंटली रोटेट करता है और उसमें हॉलो ड्रम में क्या होते हैं स्मॉल बॉल्स होते हैं जो कि साइज़ रिडक्शन में हेल्प करते हैं ये तो रहा आपका कंस्ट्रक्शन अब बात करते हैं वर्किंग का द ड्रग टू बी ग्राउंड इज़ पुट इन टू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इज़ रोटेटेड द स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थर्ड स्पीड इज़ वेरी गुड आफ्टर अ सूटेबल टाइम द मटेरियल इज़ टेकन आउट एंड पास थ्रू अ सीम टू गेट पाउडर ऑफ द रिक्वायर्ड साइज इसमें हम क्या करते हैं जिस मटेरियल का साइज रिडक्शन हमको करना है उस मटेरियल्स को हम क्या करते हैं ड्रम में भर देते हैं ड्रम में भरने के बाद उसको क्लोज कर देते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं जब स्टार्ट कर देते हैं तो ड्रम में मटेरियल क्या होता है घूमता है उसमें बॉल बॉल भी भरे होते हैं जो कि एक दूसरे से टकराते हैं बॉल एक दूसरे से टकराते हैं उसके बीच में जो मटेरियल्स आता है वो क्रश होता है साथ में क्या है आपस में भी उनका क्या होता है रगड़ होता है इसको बोलते हैं एट्रीसन तो दो प्रिंसिपल दैट इज़ इम्पैक्ट और एट्रीसन की हेल्प से मटेरियल्स क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आ, लगे कि पार्टिकल्स डिज़ायर्ड साइज़ के हो गए हैं जैसा हम पार्टिकल्स चाह रहे थे वैसे पार्टिकल्स हो गए हैं तो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं बंद कर देते हैं और उसमें से मटेरियल्स को हम निकाल के सीब से पास कर लेते हैं ये तो रहा उसका वर्किंग अब इसके एडवांटेज क्या है इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर्स बहुत फ़ाइन पाउडर्स इससे प्रोड्यूस किया जा सकता है दूसरा एडवांटेज है इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन लगातार प्रोसेसिंग इससे की जा सकती है इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ वेट आर ओ आर आर ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस मतलब इसमें मॉइस्ट मटेरियल्स और ड्राई मटेरियल्स को ग्राइंड कर सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज है इट कैन बी यूज फॉर ग्राइंड टॉक्सिक मटेरियल्स एज इट कैन यूज इन कम्प्लीटली इन फॉर्म इसका मतलब क्या हुआ बॉल मिल टॉक्सिक मटेरियल के साइज़ रिडक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्यों क्योंकि जो बॉल मिल है ये क्या है बिल्कुल क्लोज्ड होता है इसमें जो डस्ट निकलते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं इसका मतलब क्या हुआ जो उसके आसपास पास काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्ट उससे नहीं होते इस वजह से टॉक्सिक मटेरियल्स की भी इसमें साइज़ रिडक्शन किया जा सकता है अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अब क्या क्या डिसएडवांटेज है बॉल मिल इज़ वेरी नॉइजी मशीन मतलब यह बहुत शोर मचाता है उसके आसपास जो आदमी काम करते हैं इरिटेट हो जाते हैं क्यों तो, क्योंकि उसमें बहुत आवाज़ होती है नेक्स्ट डिसएडवाटेज uh, क्या है बियर आकर्स फ्रॉम द बॉल एज वेल एज़ फ्रॉम द केसिंग विच में रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट इसका मतलब क्या हुआ जब बॉल मिल चलता है तो उसमें जो बॉल्स हैं आपस में टकराते हैं साथ साथ जो ड्रम है हालो ड्रम उससे भी टकराते हैं तो इससे मत इससे क्या होता है कि उसमें से कुछ मटेरियल प्रोडक्ट में आ जाते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है कंटामिनेट हो जाता है ये मेन ड्रा बैक है आपके बॉल मिल का बॉल मिल का यूज़ कहाँ किया जाता है द बॉल मिल इज़ यूज टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग टू फाइन पाउडर इसका मतलब क्या हुआ जो ड्रग ब्रिटल ड्रग हैं मतलब तो जल्दी से टूट जाते हैं उस ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए बॉल मिल यूज़ किया जाता है ये तो रहा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ साइज रिडक्शन साइज रिडक्शन क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और डिटेल में हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड यूज़ ऑफ हैमर मिल एंड बॉल मिल होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया वो आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो